तो मुझे भी काफी लोगों ने काफिर कह दिया था, तो मैंने कहा कि तू अल्लाह से बड़ा हो गया है इसलिए तू मुझे काफिर कह रहा है, क्योंकि अल्लाह तो काफिर को भी काफिर नहीं कहता। तो ये इश्क की जो डेफिनेशन है वो हर किसी के बस की काम नहीं है समझने की, क्योंकि बेदम शाह वारसी हजरत अमीर खुसरो, हजरत बाबा बुल्ले शाह, पंडित काल का प्रसाद, डॉक्टर महेंद्र सिंह बेदी, जितने भी ये सूफी संत हुए हैं उन्होंने हमेशा अपने यार की तारीफ की है, अपनी कहीं भी तारीफ नहीं लिखी। तो इसी को कहते हैं मारिफत और इसी को कहते हैं तसव्वुफ। तो मैं कोशिश करूंगा गरीब नवाज साहब की हाजिरों को कबूल करवाएं। बोलिए आमीन। आमीन। ये एक ऐसा कलाम है जिसे हर कौम मिल्लत ने गाया है। कलाम की सच्चाई ये होनी चाहिए कि कलाम में मजहब नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां मजहब आता है वहां कलाम नहीं होता। तो ये कलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम ने गाया है, और ये पहला कलाम है जिसे पाकिस्तान ने भी गाया है। हिंदुस्तान का पहला कलाम है, वरना ज्यादातर लोग पाकिस्तान के कलाम इंडिया में गाते हैं। तो ये गरीब नवाज का करम है, तो समाज फरमाइए। और एक मेरा एक आइटम और भी है जो काफी लोगों ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन वो गरीब नवाज का कलाम है। जिस पे भी एक नजर डाली उसकी किस्मत का लिखा बदलता है, भारत का बच्चा बच्चा मेरे ख्वाजा के टुकड़ों पे, ये भी कलाम मेरा ही लिखा हुआ है, मेरा कंपोज है। हाँ जी। ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बाती है, ख्वाजा तेरे कर्म से क्या बात है अथर्वभाई, जमाने में बाती है। आज मैं जो कुछ भी हूं इन लोगों की वजह से हूं। बंदे को नाज है कि तू हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के बच्चे बच्चों को याद ये कलाम। बंदा नवाजी है हक माई या माई, हक माई या माई, हक माई या माई, हक माई या माई, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, दरिया सरे आ मुझे लिरा है।
मुंडल वली अताए रसूल आले नबी औलादे अली। अभी एक बात चल रही थी तस्वुर की कि आई ने आपने कहा था गुलाम वारिस मियां, गुलाम वारिस भाई, तो मैं कह रहा हूं इसी बात को खुमार बाराबंकी फरमाते हैं, खुमार बाराबंकी फरमा रहे हैं, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे। आए है। सब अगवानी साहब फरमा रहे हैं क्या आया है, माफी चाहूंगा, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे, काशी ये भी हो के मुझ में तू नजर आने लगे, काशी ये भी हो के मुझ में तू नजर आने लगे, जिसकी खुशबू से मुअत्तर घर का घर सब हो गया, जिसकी खुशबू से मुअत्तर घर का घर सब हो गया, जब तसव्वुर में तेरे केसु नजर आने लगे, जब तसव्वुर में तेरे केसु नजर आने लगे, खत्म कर दे ऐ सबा अब दर्द दिल की दास्ता, खत्म कर दे ऐ सबा अब दर्द दिल की दास्ता, देख उन आंखों में भी आंसू नजर आने लगे, देख उन आंखों में भी आंसू नजर आने लगे, पी लिया था जिसको मैंने राज उल्फत की कसम, पी लिया था जिसको मैंने राज उल्फत की कसम, पी लिया था जिसको मैंने राज उल्फत की कसम, पी लिया था जिसको मैंने राज उल्फत की कसम, आज वो तूफान पे काबू नजर आने लगे तो मैंने भी कह दिया तेरे बतों का दरिया हर साले के लिए कह रहा हूं, जब उनको अपनी प्यास का किस्सा सुना दिया, मुर्शिद ने रहमतों का दरिया बहा दिया, जब उनको अपनी प्यास का किस्सा सुना दिया, उनको अपनी प्यास का किस्सा सुना दिया, जब उनको अपनी प्यास का किस्सा सुना दिया, जब उनको अपनी प्यास का किस्सा सुना दिया, मुर्शिद ने रहमतों का दरिया बहा दिया, जो ईमान पे ईमान रखते हैं हमारे हिंदू भाई भी यहां बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं हिंदू भाई हाथ ऊपर करें, जितने भी हिंदू भाई बैठे हाथ ऊपर करें, ये गरीब नवाज का सिलसिला है, जो लोग गरीब नवाज को हमसे अलग कर रहे हैं उन्होंने तो किसी को अलग समझा ही नहीं, वारिस पाक ने ये कह दिया जिसने मेरी ट्रेन की आवाज सुन ली वो मेरा मुरीद, जिसने मेरी ट्रेन की हवा छू ली वो मेरा मुरीद, जिसने मेरी ट्रेन का धुआं देख लिया वो मेरा मुरीद। हल्के में ले रहे हो क्या पीर को,
हजरत महबूब इलाही की शान में एक शेर नजर कर रहा हूँ हुजूर नाचीस का। मियां शेर संभाल के रखिएगा गुलाम वारिस मियां, ये नाचीस का शेर है, ये मेरी यकीदत है और यकीन है। हर गुनाह माफ हो मेरा वो गवाही दे दे, हर गुनाह माफ हो मेरा वो गवाही दे दे, हर गुनाह माफ हो मेरा वो गवाही दे दे, हर गुनाह माफ हो मेरा वो गवाही दे दे। आ मेरे कल्ब को भी नूर सफाई दे दे, आ मेरे कल्ब को भी नूर सफाई दे दे। मैं भी खुसरो की तरह आपकी ताजीम करूं, मैं भी खुसरो की तरह आपकी ताजीम करूं, मैं भी बेदम की तरह करूं, मुझको भी रब कोई महबूब इलाही दे दे, दे तो कदरिया हर सारे तेरी। 20 मिनट लूंगा सिर्फ इस कलाम के लिए। हालांकि कलाम जब भी मैंने गाया है खुदा की कसम एक साल का पूरा खर्चा निकल आया एक ही कलाम में। बाखुदा के तेरी रहमतों का दरिया खाजा जी सारे आम चल रहा है। जरा वो जाने की सनद बताएं के गए हैं, हाथ पकड़े गरीब नवाज गए हैं, गए हो के नहीं तुम नहीं गए, जो नहीं गए जरा वो हाथ पकड़े, नहीं गए तो तुम्हारा हिंदुस्तान में रहने का फायदा क्या। अरे ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा इतना बड़ा है कि आज कव्वाल अपने आप को कव्वाल कहते हैं तो वो सत्ता गरीब नवाज का है। चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के। हाँ शेर शेर सुनिएगा, जो लोग हमें कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है वो सुन ले। हमारा तो हजरत आदम से हिंदुस्तान हमारा है, तुझे क्या पता आ जा हिस्ट्री में है कि नहीं। पैदा यही हुए हैं, पैदा यही हुए हैं, यही पर मरेंगे हम, पैदा यही हुए यही पर मरेंगे हम, पैदा हम पैदा हुए हैं, पैदा यहाँ पैदा हुए हैं, पैदा यही 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 पैदा हुए हैं, चले गए वो लोग और थे जो कराची चले गए, वो लोग और थे जो कराची चले गए, वो लोग और थे जो कराची चले गए, क्योंकि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही तो मेरा काम चल रहा है, ओ मेरा काम चल रहा है, मिल रही है तो मेरा काम चल रहा है, मिल रही है तो मेरा काम चल रहा है।
पलता है मुझे भी चल रहा मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। ये मिश्रा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 700 मिलियन इस मिश्रे के टिकटॉक लोगों ने बनाए, कितने 700 मिलियन वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है सिर्फ इस मिश्रे का। क्या उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा बता दी, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने सदरुद्दीन ने नवाजा, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे सदरुद्दीन ने नवाजा, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे सदरुद्दीन ने नवाजा। कुछ लोग मेरा नाम मिटाने में लगे थे, कुछ लोग मेरा नाम मिटाने में लगे थे, कुछ लोग मेरा नाम मिटाने में लगे थे, सदरुद्दीन मुझे इज्जत दिलाने में लगे थे, सदरुद्दीन मुझे इज्जत दिलाने में लगे थे, क्योंकि उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा, थोड़ा अंधेरी रात है, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, तवज्जो चाहूंगा अहले महफिल से, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ रहता है, ये कौन है मिटाने वालों ने कोई कसर न छोड़ी थी, बचाने वाला मेरे साथ साथ रहता है बस उसे की फरमाइश है। दोबारा क्या बात है? हमारे मियां साहब की नजर है हमारे सज्जादा खान की, ये निस्बत है। अंधेरी रात है, या मेरे सदरुद्दीन सरकार, आफताबुद्दीन सरकार, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता,
जो है कांटे मेरी राहों में बिछाने वाले। तब तो चाहूंगा सभी से, जितने भी सरकार सदरुद्दीन के आशिक हैं, वो कह रहे हैं कि जो है कांटे मेरी राहों में बिछाने वाले, आज रोएंगे बहुत मुझको रुलाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरे पुरुषज है मेरी लाज बचाने वाले, बस उसे जिसे आपने नवाजा, उसे क्या मिटा है दुनिया, 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 जिसे आपने नवाजा, उसे क्या मिटा है दुनिया। ओके, जब भी अपने बुरे या मेरे सदरोदी सरकार, जब भी अपने बुरे हालात से घबराता हूँ, जब भी अपने बुरे हालात से घबराता हूँ, जब भी अपने बुरे हालात से घबराता हूँ, सदरुद्दीन की आवाज आती है कि मैं आता हूँ, उस क्या मिटाए दुनिया, जिसे आपने नवाजा, उस क्या मिटाए दुनिया, जिसे आपने नवाजा, जिसे आपने नवाजा, बेशक नक्शे नक्शे हाँ नक्शे नक्शे कदम पे तेरे, नक्शे कदम पे तेरे, ये गुलाम चल रहा है, मुबारक आ रहे हैं, रमजान मुबारक आ रहे हैं। आज 13 तारीख है, 13 है, 14 है, 13, और आज हो सकता है चांद रात हो जाए। हाँ जी, मैं चाह रहा था कि आपके मुंह से यकीन निकले, मैं खुद चाह रहा था कि यकीन कामिल ही बड़ी बात है। हाँ क्या बात, इस माह के महीने कुरवां हुआ है नाजिल, इस माह के महीने कुरवां हुआ है नाजिल। गुलाम आरिफ मियां फिल्मी शेर कह रहा हूं, इस माह के मुबारक कुरवा हुआ है नाजिल, रोजे सभी रखेंगे, रोजे सभी रखेंगे। जब ये YouTube पे आएगा तो मौजू वही हो जाएगा कि रोजे सभी रखेंगे क्योंकि रमजान चल रहा है, रोजे सभी रखेंगे तो रमजान चल रहा है, रोजे सभी रखेंगे तो रमजान चल रहा है। और रखे सदरुद्दीन सरकार का कर्म है, अगस्त में हमारी एक फिल्म रिलीज हो रही है, इंशाल्लाह दुआ करें सरकार, सभी से इल्तिजा चाहूंगा, और उस फिल्म में ये गाना रिलीज कर रहे हैं लोग, क्योंकि
ये गाना जब सरकार ये कलाम जब करीम नवाज ने कबूल किया तो मैंने ये नहीं सोचा था ये हिट हो जाएगा, मैंने सोचा था करीम नवाज कबूल कर लें मेरे लिए वही काफी है और ये हुआ। इसमें एक मिसरा है जो काफी जितने भी आरफाना कलाम सुनते हैं, तसव्वुफ के कलाम सुनते हैं, आशिकाना निस्बती कलाम सुनते हैं, उन सब ने शेर को पसंद किया, वो क्या है? तेरी मस्ती है नजर से बना चिश्ती मैं कदा है, चिश्ती मैं कदा है, तेरी मस्ती है नजर से बना चिश्ती मैं कदा है, तेरी मस्ती है नजर से बना चिश्ती मैं कदा है, कहीं मैं हाँ कहीं मैं अशार, वो तो सुने आपने, मगर मैं चाहता हूं कि आया हूं पहली बार आए हैं तो कुछ ऐसी चीज देकर जाएं जो आपको अगले साल तक याद रहे। चार मिसरे पेश कर रहा हूं, बिल्कुल नए, दावा तो नहीं करता मगर ये उम्मीद करता हूं कि शायद आपने ये पहले नहीं सुने होंगे किसी आर्टिस्ट से। कि चाहने वालों का ईमान बने बैठे हैं, हुकूमत की बात होती है ना, ये वो हुकूमत नहीं है जो कुर्सियों पे होती है, ये वो हुकूमत है जो दिलों पे होती है। बेशक कि चाहने वालों का ईमान बने बैठे हैं और हर मुसलमान की वो जान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखो, हुकूमत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं, बस देखो तेरा तेरा अमीर है। सरकार सदरुद्दीन सरकार के लिए कह रहा हूँ, जितने चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं जो यहाँ रहते हैं वो क्या कहते हैं अपने लिए कहते हैं, कौन कौन कहते हैं, कौन कौन अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, इस सरजमीन पे पैदा हुए हैं, सरकार सरदुद्दीन की सरजमीन पे है, वो क्या कहते हैं कि अमीर शहर से बढ़कर अमीर रहते हैं। सरकार आफ्ताब बाबा, सैयद आफ्ताब बाबा के लिए शेर कहना चाहेंगे अथर भाई। हाँ जी, सरकार सदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह और सरकार आफ्ताबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। हाँ जी, क्या बात है कि अमीर शहर से बढ़कर अमीर रहते हैं। वाह, अमीर शहर से बढ़कर अमीर रहते हैं, अमीर शहर से बढ़कर अमीर रहते हैं, खुदाए पाक के सच्चे फकीर रहते हैं, खुदाए पाक के सच्चे फकीर रहते हैं, हमें नाज यहाँ पर
यहाँ की मिट्टी पर पीर रहे हैं। बस देखो तेरा कर्म ये तेरा कर्म पूरी दुनिया में एक बाबा फैली हुई है कोरोना कोरोना कोरोना, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा कोरोना। जिनका ईमान कच्चा होगा उन्हें होगा कोरोना, हमें तो नहीं हो सकता। क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है उसको भी मेरे अल्लाह इतनी सी समझ दे दे उसको भी मेरे अल्लाह इतनी सी समझ दे दे। अल्लाह बारे ताला ने कुरान में कह दिया है, वो तो इज्जत मंतशा वो तो जिल्लत मंतशा है ना। अल्लाह कह रहा है इज्जत और जिल्लत का मालिक मैं हूं, तू दावेदार ना बन। तो ये शेर उनके लिए हैं जो किसी की तरक्की से जलते हैं, जो जलते हैं उनके लिए, आपके लिए नहीं है। और तरक्की की पहली सीढ़ी जलन है, जब तक जलेगा नहीं कोई तुझसे तू आगे बढ़ेगा नहीं। आए ये भी सुन ले। उसको भी सदरोदी सरकार थोड़ी सी समझ दे दे, जो उरूज से किसी के कोई शख्स जल रहा है, जो उरूज से किसी के आए है कोई शख्स जल रहा है, कुदरत से डरो लोगों, हिम्मत न करो कुदरत से डरो लोगों। याद की दौर का मामला है, दौरे हाजरा गीबत से आए है, हिम्मत न करो, अरे गीबत न करो लोगों, कुदरत से डरो लोगों। हम सब तो निस्बती हैं बाहर जो करो ना चल रहा आहे, हम तो निस्बती बाहर अरे जो करो। हुजूर आप यकीन करें, मैंने 3 महीने अपने घर के बाहर किसी ने मुझे मौका दिया कि हमसर भाई लंगर में आप शिरकत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह रसूल गवाह है, मेरे पीर मेरे सरकार गवाह हैं। मैंने 3 महीने उनके साथ लंगर बांटा और मैंने गलत भी नहीं पहने, ना मैंने वैक्सीन ना मैंने ये लगाया, कुछ नहीं। आप यकीन करें जिसको भी मैंने लंगर बांटा मुझे उससे कोरोना नहीं हुआ बल्कि मुझे उससे शिफा मिली। ये जो लोगों ने बता रखा ना कोरोना कोरोना, कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना सोच है। माजरत के साथ भाई अगले साल मत बुलाना, लेकिन सुन लो मैं उसका वाल में से नहीं हूं कि दोबारा मुझे बुलाया जाए मैं ऐसा कहूं, ना 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 एक बार में काम हो जाता है। हाँ जी तो मैं बताना चाहूंगा कोरोना बीमारी नहीं है, सोच है। आप भी सुन लेना गुलाम बारिश मिया, अगर किसी पुराने घर के बाहर आप लिख दो ना यहाँ भूत रहता है, अगर वहां पर कोई वली भी रहता होगा तो भूत लिख दो तो जाएगा नहीं आदमी। ये वो चीज कर रहे हैं लोग, ये जो आजकल माहौल चल रहा है। हाय हाय हैं हुजूर,
क्योंकि वली की जो सिफत है वो शिफा देने की है, बीमारी नहीं देता वली। हाय हाय क्या बात। आखिरी शेर, तारीखियों में गुम था ये हयात सूफी हम सर बजाए, तेरी निस्बतों के सदके, तेरी निस्बतों के सदके, अरे ये निजाम चली रहा है।